बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद नादरा में आप सबको खुश आमदीद है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और रहमतों और करम से नवाजता रहे। कुकिंग विद नादरा में आज की वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज मैंने कुकिंग नहीं की है। आज आयदा की छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी। आयदा की एक अच्छी सी बात जो सबको बताना चाहती हैं, नेक काम हम किस तरीक़े से कर सकते हैं, बुरे कामों से कैसे दूर रख सकते हैं, आयदा ने आज की वीडियो में बताया। तो चलिए मैं और आप हम सब मिलके आयदा की आज छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है ना, माय नेम इज आयदा, आई एम इन ग्रेड वन। आज मैं आपको ताउस के बारे में बताने वाली हूँ, जैसा कि हम शैतान को कितना दूर भगा सकते हैं। आपको पता है ना, हम शैतान को भगाने के लिए क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पना मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। ताउस का मतलब है पनाह मांगना। शैतान मर्दूद से बचने और अल्लाह की पनाह में आने के लिए हमें ताउस पढ़ना चाहिए। ताउस पढ़ने से शैतान हमें नेकी के कामों से नहीं रोक सकता। जब भी हम ताउस पढ़ते हैं तो फिर शैतान हमसे दूर भाग जाता है और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। इसका मतलब ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शैतान दूर भाग जाता है और अल्लाह ताला हमें अपने नेकी के कामों में ले लेते हैं और हमें अपनी पनाह में ले लेते हैं। इसलिए हमें ताउस पढ़ना चाहिए ताकि शैतान हमसे दूर भाग जाए, और अगर हमें गुस्सा आए तो भी जल्दी से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको मेरी अच्छी बातें अच्छी लगी तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। So keep watching Cooking with Nadra.